We need to take Archit Jain and Akhilesh Jain, sir. Okay, so guys, can you welcome Archit and Akhilesh ji? Archit hai kya? Hanji sir, Archit mein join kar liya. Very good, very good. Chalo aa jao. Morning sir. Morning. Chalo kar do Archit. Ha. Kahan Agra mein ho? Agra mein shaadi mein. ठीक है जल्दी में ये हाल है बाप बेटे का। चलो जयराम जी की। जयराम जी सर। जयराम जी सर वो बहुत याद आती है राजीव जी आपकी। सर हम थोड़ा सा बोलते हैं बाकी अर्चित बोलेगा। सर हमारी उम्र 60 साल है जैसे हमने बताया, 35 साल से हम धंधे में हैं। और सर हमें ये लगता था कि कोई हमें क्या पढ़ाएगा, हम तो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे, फार्म हाउस वगैरह बना बनू के बैठ गए थे। और अर्चित की जिद थी कि एक बार कर लो, उसने 8 महीने किया है, बीएमपी किया है। आपने नहीं किया? नहीं हमने नहीं किया सर, अफसोस रहा हमने नहीं किया, परंतु सिस्टम चूंकि इसके लगे हुए हैं सारे, हम दोनों एक ही कंपनी में हैं इसलिए हमें मालूम है आपने क्या पढ़ाया क्या किया था। सर जब हमने एएसपी किया तब समझ में आया, एक तो सर हम लोग गवर्नमेंट सेल में थे तो हमें लगता था कि गवर्नमेंट सेल में तो आपके सिस्टम चलेंगे ही नहीं, पर सर अर्चित ने जो डेवलप किया है सिस्टम को, जो टेंडर भरने का प्रोसेस है, जो सारा अपना टाइम बचाया है, सिर्फ हमें अफसर से मिलने भर का काम रह गया है, 70-80% काम हमारा सरकार में पूरा हो चुका है। दूसरा हमारा बैंकिंग डिवीजन है सर, वो लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था सर, वो लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था और उसमें लगातार घाटा था। और ये बोलते थे कि 3 साल बाद प्रॉफिट में आएंगे, 3 साल बाद प्रॉफिट। सर्विस का बिजनेस है जो आपका बैंकिंग डिवीजन है, बैंकिंग डिवीजन है हमारा, ऑनलाइन ऑनलाइन बैंकिंग है। अच्छा, और दूसरा है रिचार्ज है, एईपीएस है, एमएटीएम है, दूसरा सर हमारा गवर्नमेंट है जो हम ट्रेंडिंग बिजनेस में है। तो सर उसमें जो आपने बताया कैसे पिच करना है, कैसे आपने एक बड़ा सीक्रेट वो दिया कि उन लोगों को जिस डिपार्टमेंट में आपकी पकड़ है उनके रिटायर्ड आदमी को आप रख लो, सर ये जिंदगी में कभी समझ में नहीं आया, अभी हमारी एक से बात चल रही है, शायद हम उसमें आगे चलेंगे। सर जब एएसपी किया ना तब समझ में आई, हमने अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग खत्म कर ली सर, अपनी रिटायर होना, छोटी छोटी चीजें सर, पिच जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि वो भी इतनी महत्वपूर्ण होती है सर, उनके द्वारा जो ब्लैकमेल होते थे हमें लगता था कि वो यदि जाएंगे तो हमारे सारे कस्टमर ले जाएंगे, परंतु सर आपने क्या जो उनको उन सारे कस्टमर्स को हमारे यहाँ डाल दिया, अब हमें डर ही नहीं है कोई जा रहा है तो चला जाए। एनबीडी सीआरआर उनको एनबीडी में लगाए, सारे सारे ईगल सर खत्म हो गए, उनको समझ में नहीं आए एनबीडी भी कुछ होता है, और सर एकदम परफेक्ट चल रहा है, सारी पिच बनाई, सबको ट्रेनिंग देना चालू है, हर वीकली ट्रेनिंग है, सिस्टम तो बन गए थे, पर अब सर हम लोग पूरी तरह सेल में है। अब आगे अर्चित तुम बोलना। अर्चित हाँ जी। सर मेरा तो क्या, मैं गवर्नमेंट सेल देखता हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता था कि हमारा 1-to-1 कनेक्ट होता है, 1-to-1 कनेक्ट इन द सेंस कि लाइजनिंग के बिना काम नहीं होता, बिना मीटिंग से काम नहीं होता। जो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था, जो मेरे को डाउट भी था पहले से कि जो हमारे सेल्स वाले हैं वो बात क्या करते हैं जाके, क्योंकि अगर पापा जाएं, मैं जाऊं, कोई और मतलब एक आध दो लोग और अगर वो लोग जाएं तो बड़ी अच्छी मीटिंग हो, दूसरे जाएं तो या तो उनको केबिन के बाहर से भगा देते थे या हवे हवे में, मतलब सबको पता है यहाँ पे सब ऊपर ऊपर सी बात होती थी। जो मेजर चेंज समझ में आया तो पिच थी, आपने 8 मंथ्स में पिच पढ़ाई थी, लेकिन वो मैं रिजल्ट्स क्या क्या आए, आप रिजल्ट्स पे आ जाओ क्या। मेरे तो सर सबसे जो मेजर रिजल्ट रहा वो ये रहा कि मेरी मीटिंग्स इफेक्टिवनेस बढ़ी, मेरी मतलब लीड सेल साइकिल मेरी कम हो गई, मेरे को कोर्स तो 3 महीने बाद तो मेरे को कोर्स समझ में आया था, वो क्या रहा 2 महीने तक तो मेरे को समझ ही नहीं आया था आपने क्या पढ़ा रहे थे, जब समझ में आया क्रैक हुआ। सो माय टेंडर सेल्स हैव गॉन इंक्रीज, माय टेंडर पार्टिसिपेशन हैज गॉन इंक्रीज। सबसे बड़ी चीज, मैं टेंडर में सिर्फ प्राइस के लिए कभी कभी आता हूँ, वरना वो भी मेरी पूरी टीम करती है। जो लोग यहाँ गवर्नमेंट सेल्स में, सबको पता है मतलब प्राइसिंग इज ऑल्सो मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन टेंडरिंग, क्योंकि गलत चली गई तो काम तो पूरा करना ही करना है, निकलने का रास्ता नहीं है, तो वो चीज टीम पे ऑफलोड कर दी, दैट इज वन बिगेस्ट फैक्टर। पापा ने जो काम किया था उनने लॉस मेकिंग डिवीजन उठाया था कंपनी में, जो हम एक्चुअली या तो मूड में सेल ऑफ कर देंगे या ये था उसको बंद ही कर देंगे, क्योंकि वो एक हेडेक हो गया था। सर्विस डिवीजन है जिसमें आपका लॉस हो रहा था। यस सर, करेक्ट, और लॉस मतलब अच्छा खासा लॉस, और लॉस के साथ साथ उसमें कुछ मिस हैपनिंग्स भी थी, बैंकिंग सेक्टर था तो उसमें गलतियां भी कुछ पकड़ में। नाउ द थिंग इज वी मतलब पापा हैज टर्न्ड अराउंड दैट थिंग Completely. सारे कॉम्पिटिटर अभी भी लॉस में हैं या नियर प्रॉफिट पे हैं, वी आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। गवर्नमेंट सेल्स में सॉफ्टवेयर का काम है मेरा, मैं सॉफ्टवेयर बना के देता हूँ,
उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता था। दो तरह से, या तुम सॉफ्टवेयर टेंडर बिड करते थे या तुम अपना सोल्यूशन पिच करते थे। सोल्यूशन पिच की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेरे में लगता है सर 6 से 8 महीने लगता है कि बजट प्रोविजन आता है फिर मेरा काम होता है। बट वो सब चीजें मैं एक्चुअली अपने आप से अब जाके मीटिंग्स में वही की वही करता हूँ। जहाँ 12-13 मीटिंग लेता था वही मेरी 3 से 4 मीटिंग में काम निकल जाता है। एंड आई एम रेप्लिकेटिंग दिस मॉडल इनटू गवर्नमेंट आल्सो। एंड आई'ल सून बी लॉन्चिंग अ न्यू ऑफिस इन अ न्यू स्टेट। बिकॉज ऐसे ही मतलब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे लिए बॉटल नेक थोड़ा सा मेरी वो बैक एंड ऑपरेशन टीम हो रही है, वो मेरे को इंक्रीज करना है। वही अदरवाइज सेल, सेल्स में मतलब गवर्नमेंट सेल्स हो या लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी सर्विस सेक्टर में जो सेल्स है अब वो कंट्रोल में आ गई पूरी पूरी तरह सर, पूरी तरह। और ऐसी कंट्रोल में कुछ मीटिंग में क्या बात है ये मुझे पता है, और मुझसे आता है वो सेल्स कोऑर्डिनेटर को पता है, और सेल्स कोऑर्डिनेटर की इज्जत मुझसे ज्यादा है मेरी सेल्स टीम में। और ये पूरे मेरे ख्याल से यूनानिमस होगा कि सारे लोग बोल देंगे सेल्स वाले किसी के कंट्रोल में नहीं आते, हम उनके कंट्रोल में रहते थे हमेशा। अब उल्टा हो गया, उल्टा है सर, उल्टा है। नोबडी कैन फूल अस, नोबडी कैन फूल अस। गवर्नमेंट सेल्स के लड़के भी कंट्रोल में आ गए, लाइजनिंग वाले सब पूरी तरह। मैं मीटिंग में उनके साथ जाता हूँ फील्ड पे, वो लड़की सेल्स कोऑर्डिनेटर का फोन आता है, कहते सर मैं मैडम को फोन उठा लूं वरना ये MIS में खराब कर देंगे, वरना ये बहुत रिव्यू दे देंगे। सो दे आर स्केयर्ड ऑफ दिस लिटिल गर्ल हु इज कंट्रोलिंग देम, एंड द बेस्ट पार्ट इज नोबडी हैज इवन सीन हर। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मजा आ रहा है, मतलब देख लेंगे तो मेरे को डर लगता है, देख लेंगे तो कहीं पंगे ना कर देंगे। अच्छा ये है जिसको हम मैडम बोलते हैं। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। So you managed to get your business, government business under control. You managed to get your loss-making service business into the banking sector. You've turned that around. Yes, and, sir. And वो भी तब जब के आपके सारे senior जो लोग थे वो ASP join करते समय जब join किए थे तभी उसी समय छोड़ के चले गए थे या beginning उसी समय छोड़ के चले गए थे सर। उनका जो काम जो लाख लाख डेढ़ लाख रुपए वाले आदमी थे, जब 10,000, 12,000, 15,000 लड़कियां कर रही है सर। सबसे बड़ी बात के सेल्स जो 40-50 हजार का लगा रहता है उसका एक ही काम रहता है, वो CRR के पीछे भागता रहता है। और आप तक आपके कहने पर CRR सारा ऑफिस में कन्वर्ट कर लिया। अब 100% लगता है कि सर सेल्स ऑफिस जॉब है, किसी को फील्ड में जाने की भागने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम था सर्विस का, और सर सर्विस हम लोग यहाँ बैठ के 11 मिनट में सर्विस दे रहे हैं, जो 3-3 दिन तक हमारी रिजॉल्व नहीं होती थी। जैसे ही सर्विस का लाग आता है तुरंत चला जाता है, उसको डेवलपर को जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। अभी हमारे 11 मिनट तक लेके आ गए हैं सर उसको रिजोल्यूशन को। वेरी नाइस, नंबर वन सर। सेल्स पीपल अपीजमेंट से कस्टमर कंट्रोल पे आ गए हैं। सेल्स वाले, आपके पास जो प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में, सेल्स वाले को तो वही प्रोडक्ट चाहिए कि वही आपको प्रॉफिट देगा, वही आपको विजिबिलिटी देगा। सर वो डाल दोगे ना तो अपन का तो डबल ट्रिपल, आप तो सोच नहीं सकते। स्टैंडर्ड 3-4 साल से हम दोनों पापर में दोनों इस चीज से परेशान हो रहे थे। हम प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट जोड़े जा रहे थे सर, मतलब आइटम्स पर आइटम जोड़े जा रहे थे। पता चला कि यार सब बकवास है, सब झूठ बोल रहे हैं। हमें समझ में तो आ गया था बट कुछ डेटा नहीं था। इवन आफ्टर 8 मंथ सर वो लेवल का डेटा नहीं था जो ASP में डेटा आया हमारे पास। नाउ द थिंग इज आधे प्रोडक्ट लाइन भी आधी कर दी। सेल्स टीम के एक्सपेंसेस उतने ही हैं, जो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख के बंदे थे उनको हटा के हमने उतने सारे CRM रख ली। तो सैलरी हमारे एक्सपेंसेस सेम ही रहे, बट ऑन दी होल बॉटम लाइन पे इतना फोकस हो गया है, प्रॉफिट इतना बढ़ गया है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वैसे पापा कह रहे थे ना कि सेल्स वाला आए जाए नो प्रॉब्लम, लड़की है बैकएंड पे, फोन के पीछे, सबका नाम सेम है। बंदे को पता ही नहीं किससे बैकएंड पे बात कर रहा है सर। सारी लड़कियों का नाम ज्योति, 14 लड़कियां हैं, 14 की 14 ज्योति है सर। सर मैं एक बार ऐड करना चाहूंगा, अर्चित का जब ये ASP का प्रोग्राम चल रहा था तो मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग 2-3 बार एयरपोर्ट में मिल गए थे। तो मैं हमेशा उसको पूछता था क्या चल रहा है, वो मेरे को हमेशा बताता था कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे उसने बताया कि 2 महीने तक तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, तो वैसे हो रहा था सर। उसने मेरे को बताया पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो चल रहा है बहुत धुएंधार चल रहा है, मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन आगे मैं देखता हूँ। आई वॉज फीलिंग मिसिंग आउट, और 1-2 बार मुझे ऐसा लगा कि अच्छा हुआ मैंने नहीं किया। दैट वॉज द फीलिंग आई वॉज हैविंग, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है सर मैंने गलती किया, मैंने नहीं किया। सो दिस इज अ चांस। थैंक यू सो मच राहुल सर। आई ऑल्सो कॉल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि मेरे को
मतलब जो चल रहा था मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स वर गोइंग ऑन, बट नाउ दैट इट हैज एंडेड लास्ट वीक, पहले दो महीने में तो एएसपी प्रोग्राम किसी को समझ में ही नहीं आया था पिछली बार, वो तो सारी धारणाएं बदल जाती हैं, सारी सोच बदल जाती है, जिंदगी के सारा अनुभव बदल जाता है। आप जो कहते हो वो दिमाग में नहीं बैठता, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, पर सर आंख बंद करके आपकी बात मानी और सर आज यहां तक है। थैंक यू, एक्सीलेंट एक्सीलेंट।